दोस्तों नमस्कार, स्टडी ओंकार चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों मैं फिर से आप सबके सामने आज एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप स्टॉक डीमेट अकाउंट में MTF के माध्यम से शेयर बाई कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप MTF का फंड यूज कर सकते हैं और इसे एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी आप नए फ्रेंड्स हमारे चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप यहां पे देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे अपस्टॉक का डीमैट अकाउंट हमने ओपन कर दिया है। और फ्रेंड्स, मैं यहां पे आपको बताना चाहूंगा, ये जो मार्जिन ट्रेडिंग फंड फैसिलिटी है फ्रेंड्स, ये आपको पेनी स्टॉक या फिर फ्रेंड्स जो स्टॉक ASM GSM कैटेगरी में चले जाते हैं या लिक्विडिटी जो स्टॉक होता है, ऐसे स्टॉक में फ्रेंड्स आपको इस फंड की फैसिलिटी नहीं मिलती है। और फ्रेंड्स, कभी भी आप जिन स्टॉक को बाई कर रहे हैं आपको वहां पे शो कर देगा कि आपको मार्जिन ट्रेडिंग फंड फैसिलिटी मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा जहाँ से आप स्टॉक कंपनी की तरफ से एक लिंक दिया गया है, जिसपे क्लिक करने के बाद उन सभी कंपनी का डेटा आपको शो करेगा जिसमें आपको मार्जिन ट्रेडिंग फंड फैसिलिटी मिलने वाला है। बट यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि कल को अगर वो स्टॉक ASM GSM किसी कैटेगरी में चले जाता है तो मार्जिन ट्रेडिंग फंड फैसिलिटी कंपनी वहाँ पे देना बंद कर देती है। और इसलिए फ्रेंड्स, जैसा कि पेनी स्टॉक हो गए तो इन सब में क्या होता है, रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको इसमें मार्जिन ट्रेडिंग फंड का जो फैसिलिटी है वो नहीं मिल पाता है। तो आप लोग अच्छे स्टॉक को बाई करें, अच्छे स्टॉक में आपको बिल्कुल मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसको एक्टिवेट कैसे करना है चलिए उसको जान लेते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स सिंपल, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे जैसे कि रिलायंस का शेयर दिख रहा है, तो ऐसे आपके भी जो वॉच लिस्ट होगी उसमें जो अच्छे कंपनी के शेयर होंगे उनमें किसी भी शेयर पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं रिलायंस पे क्लिक कर देता हूँ। रिलायंस पे जैसे फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख पाएंगे नीचे आपको बाई का ऑप्शन दे रहा है, तो सिंपली फ्रेंड्स आपको बाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे फ्रेंड्स आप बाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऊपर देखेंगे प्रोडक्ट में डिलीवरी ही रखना है, क्योंकि आप MTF में बाई करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, आपको MTF एक्टिवेट करना है। जब भी आप करेंगे तो आपको यहाँ पे डिलीवरी ही रखना होगा। और यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी फ्रेंड्स आपको लेना है उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 5 डाल दे रहा हूँ। उसके बाद लिमिट प्राइस फ्रेंड्स आप डाल सकते हैं, आपको जिस प्राइस में लेना हो, मान लीजिए मैं यहाँ पे 2400 रुपये डाल देता हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देखेंगे नीचे आपको आफ्टर मार्केट शो करेगा, जैसा कि आज मार्केट बंद है, तो इसलिए मैं इसको क्या करूँगा, सिंपल कर दूंगा। जैसे सिंपल करेंगे फ्रेंड्स आप देख पाएंगे आपके सामने यहाँ पे गेट अप टू 50% फंड का ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ से आप अपना मार्जिन ट्रेडिंग फंड फैसिलिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स सिंपली आपको करना क्या, आपको लर्न मोर पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे आपके सामने स्क्रीन में गेट स्टार्टेड विथ मार्जिन ट्रेडिंग टूडे, तो यहाँ पे ये एक वीडियो है अपस्टॉक कंपनी की तरफ से जिसको आप चाहें तो वॉच कर सकते हैं, जिसके आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है इसी के बारे में बताया गया है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो इसके बारे में आप देखेंगे यहाँ पे पूरा आपको डिटेल में दिया गया है क्या क्या चार्जेज हैं, क्या क्या इसके नियम कायदे कानून हैं, पूरा आप टर्म एंड कंडीशन को फ्रेंड्स यहाँ पे जाकर के आप पढ़ सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको एक्टिवेट मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसके टर्म एंड कंडीशन के बारे में सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको नीचे आना है, स्टॉक ब्रोकर राइट्स क्या क्या राइट्स होंगे ये सारे चीज़ें आप फ्रेंड्स आसानी से पढ़ लीजिए। आराम से पढ़ने के बाद फ्रेंड्स जब आपको समझ में आता है तो उसके बाद आपको सिंपली आई एक्सेप्ट नीचे आपको यहाँ पे शो कर रहा है इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको कंटिन्यू टू इंटर OTP पे क्लिक करना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे आपके रजिस्टर्ड नंबर पे OTP चला जाएगा, जो आपने आप स्टॉक में दिया था उस नंबर पे आपको OTP आएगा। और यहाँ पे फ्रेंड्स जो OTP की टाइमिंग है वो 10 मिनट के लिए है, तो जैसे OTP आता है OTP को हम यहाँ पे डाल के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे नंबर फ्रेंड्स OTP आ चुका है तो मैं यहाँ पे OTP इंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे आप देख पाएंगे फ्रेंड्स इस तरीके से आपको आएगा OTP एक्टिवेट मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी आप स्टॉक, इस तरीके से आपके पास भी मैसेज आएगा। तो सिंपली फ्रेंड्स चलिए हम यहाँ पे OTP डाल देते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे फ्रेंड्स हमने OTP डाल दिया है, डालने के बाद फ्रेंड्स आपको वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। तो जैसे फ्रेंड्स आप करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका एक्टिवेशन सक्सेसफुल हो गया है, यू कैन नाउ प्लेस ऑन इक्विटी डिलीवरी ऑर्डर विथ अप टू 50% ऑफ योर फंड्स। अब ये हमारा एक्टिवेट हो गया है, अब मैं 50% मार्जिन ट्रेडिंग फंड का फैसिलिटी यूज कर सकता हूँ। और नॉर्मल मार्केट में फ्रेंड्स, जैसे कि अभी मार्केट बंद है तो मैं आपको यहाँ पे लाइव नहीं दिखा सकता फ्रेंड्स, बल्कि इसके लिए मैं एक नया वीडियो बना दूंगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स
अब यहाँ पे आपको ऑप्शन शो करने लगा है गेट अप टू 50% फंड। तो जब भी कभी आपको फ्रेंड्स अगर शेयर बाई करना है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 12,000 रुपये मुझे लग रहे हैं 5 शेयर के रिलायंस के 2400 के प्राइस में, तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो आप सिंपली देखेंगे आपका जो अमाउंट होता है फ्रेंड्स वो 50% कम हो जाएगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे ऑर्डर लगा के 50% फंड का मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यूज करके काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आप डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स हमने अपस्टॉक का लिंक दिया है, जहाँ से जाकर के फ्रेंड्स आप 5 से 10 मिनट में अपना पेपरलेस डीमेट अकाउंट घर बैठे अपने मोबाइल से ओपन करके आप ट्रेडिंग करके काफ़ी अच्छा पैसा यहाँ से कमा सकते हैं। और फ्रेंड्स आप स्टॉक में, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, बीच बीच में रिफर प्रोग्राम भी आता रहता है, और यहाँ से आप लोगों को रिफर करके भी एक साइड में काफ़ी अच्छा पार्ट टाइम इनकम आप अर्न कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको शेयर कौन सा खरीदें बेचें आपको नॉलेज नहीं है, आप नए हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल SKD स्टॉक मार्केट को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड्स हमने लिंक दे दिया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, आप यहाँ पे स्टॉक को चेक करें कि आपको किस तरीके का स्टॉक दिया जा रहा है, कितने दिन में क्या रिटर्न दे रहा है। जब आपको समझ में आता है फ्रेंड्स, आप अपने मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए एक छोटे से अमाउंट से आप यहाँ शुरुआत करके एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बोलना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट में आप लोन कर्जा उधारी लेकर के फ्रेंड्स बिल्कुल भी निवेश ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे आप काफ़ी बड़े मुसीबत में पड़ सकते हैं। और फ्रेंड्स किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करें, आप अपने मनी मैनेजमेंट को ध्यान में रख करके जितना पैसा आप खोने के लिए तैयार हो फ्रेंड्स, उतने पैसे का ही आप यहाँ पर रिस्क लेकर के आप आगे बढ़ सकते हैं। सो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सो मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।